पर्सनल काम था इस वजह से क्या पर्सनल काम था चुनाव काम हो सकता है इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना आपके साथ आपके प्रत्याशी भी आई उस पर क्या कहेंगे हमारा प्रत्याशी यहाँ नहीं है तो सावित्री देवी किसकी है सावित्री देवी किसकी प्रत्याशी है मैडम नहीं भाजपा के नहीं है आप लोग नहीं अब दूसरा दल का है बसपा का है राष्ट्रीय दल है मत ले रहे हैं हम लोग बोलिए ना क्या बात है ना बेटा क्यों आए थे आप विधायक कोचे मुंडा के आवास पर आप आए थे क्या मत कहा था बताइए आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं मैडम बताइए चूंकि आवास से विधायक का और वो भाजपा के प्रत्याशी हैं आप बसपा के प्रत्याशी हैं क्या आप बताइए कारण क्या था आपके क्यों आए हैं आपके साथ आपके जिलाध्यक्ष भी है ना किस चीज का धोखा दे रहा था थोड़ा बताइए क्या वादा हुआ था जो धोखा मिला क्या बोल के बुलाया गया था क्या बोल के बुलाया गया था प्रशासन काम चाह रहे प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी के घर में क्यों आएंगे सो बताइए ना पहले नहीं, हम आपका भी रखेंगे बोलिए क्या बोलना बिना कुछ बोले जा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के घर से ये आवास है कार्यालय नहीं है भाजपा का क्या सही था क्या गलत हो रहा है बताइए तो पर्सनल काम से आए हो गया चलिए रखना ही